बिस्मिल्लाह रहमान रहीम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू उर्दू टर्स प्लस डॉट कॉम। व्यूअर्स, अपने इस वीडियो में हम टाइप जगलिंग और टाइप कास्टिंग को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इस वीडियो में मैं सिर्फ टाइप जगलिंग को डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में टाइप कास्टिंग को डिस्कस करूंगा। व्यूअर्स, टाइप जगलिंग या टाइप कास्टिंग क्या है? जब आप दो डिफरेंट किस्म के डाटा टाइप्स को आपस में इंटरेक्ट करवाते हैं तो उनकी टाइप्स चेंज हो जाती हैं। अब तक हमने जो डाटा टाइप्स पढ़े हैं, आप देख चुके हैं, वो इंटीजर है, वो फ्लोट है, वो स्ट्रिंग्स हैं, अरेज हैं, बूलियंस हैं, ये तमाम के तमाम हमारी डाटा टाइप्स हैं। आपको याद है कि हमने एक प्रोग्राम में एक इंटीजर के अंदर एक स्ट्रिंग को जमा किया था और हमारे पास क्या रिजल्ट आया था। मैं आपको रिमाइंड करवाने के लिए दोबारा से एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने लगा हूँ और फिर हम मजीद कोड को एक्सप्लेन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में जो हमारे पास कोड था वो यहाँ पर मौजूद है। मैं इस सारे कोड को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, इस PHP सेक्शन को कम्प्लीटली मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मेरा क्लोजिंग PHP ब्लॉक। ओके, मैं इसे सेव करता हूँ, सेव एज, और इसका नाम मैं रखता हूँ टाइप अंडरस्कोर जगलिंग। ये जगलिंग का वर्ड क्या है मैं भी आपको समझाता हूँ, टाइप जगलिंग डॉट PHP। ओके, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उसका नाम रखता हूँ मैं var1, और इसमें मैं एक वैल्यू स्टोर कर देता हूँ इज इक्वल टू 3 लेट्स से। और मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ var2, और इसमें मैं एक वैल्यू स्टोर करता हूँ जो कि स्ट्रिंग है, लेट्स से 3 कैट्स। ओके, अब मेरे पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल में मेरे पास इंटीजर और दूसरे में स्ट्रिंग स्टोर्ड है। अगर मैं इन दोनों वेरिएबल्स को जमा करके रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना चाहूँ स्क्रीन पर, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट डायरेक्टली शो करता हूँ, एको var1 प्लस var2। ओके, मैं इसे सेव करता हूँ और हमारे फाइल का जो नाम है वो है टाइप अंडरस्कोर जगलिंग डॉट PHP। तो ब्राउजर में जाके मैं नाम चेंज करता हूँ, पहले हम नल पे काम कर रहे थे और नाउ टाइप अंडरस्कोर जगलिंग। ये दोबारा से मुझे नाम टाइप करना पड़ेगा, डेफिनेटली टाइप अंडरस्कोर जगलिंग। ओके, हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 6। अब अगर हम यहाँ पे कोड को देखें, ये एक स्ट्रिंग थी हमारे पास और ये एक इंटीजर था। जब इन दोनों वैल्यूज को जमा किया तो हमारे पास एक रिजल्ट के अंदर नंबर आ रहा है जो कि 6 है। तो व्यूअर्स, PHP ने अपने तौर पे स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर के अंदर। इसी चीज का नाम जगलिंग है। यानी जब PHP अपने तौर पर डिफरेंट डाटा टाइप्स को डिफरेंट डाटा टाइप्स में कन्वर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड टाइप जगलिंग। और टाइप जगलिंग जो है वो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम यूज करें, क्योंकि हम टोटली PHP पर रिलाय नहीं कर सकते, बल्कि हमारे पास दूसरा तरीका है जिसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा डाटा टाइप किस डाटा टाइप में कन्वर्ट होने वाला है। तो मैं यहाँ पे कुछ कोड पेस्ट करने वाला हूँ, मैं सारे कोड को सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ और मैंने कुछ कोड कॉपी किया हुआ है जो मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये हमारी हेडिंग है टाइप जगलिंग, और इसके बाद ये एक PHP ब्लॉक है जिसमें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया काउंट, और इसमें मैंने स्टोर किया हुआ एक स्ट्रिंग 2 कैट्स। इसके बाद मैं एक फंक्शन है गेट टाइप फंक्शन। अगरचे हम देख चुके हैं इज इंट, इज फ्लोट, इज बूल, इन फंक्शंस की मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक वेरिएबल जो है क्या वो इंटीजर टाइप का है, क्या वो फ्लोट टाइप का है, क्या वो बूलियन टाइप का है। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली एक वेरिएबल की टाइप डिटरमिन करवा रहे हैं कि उसकी टाइप क्या है। अब यहां पर आपको मालूम है कि इस वेरिएबल के अंदर जो स्टोर्ड है डाटा वो है एक स्ट्रिंग। मैं बाकी के तमाम कोड को कमेंट आउट कर देता हूं यहां पर, ताकि हमारे पास रिजल्ट में सिर्फ वही चीजें हैं जो कि राइट नाउ में कंसर्न है। ओके, मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया, सेव किया इस फाइल को, और मैं सिर्फ आपको अभी इस पोर्शन का रिजल्ट दिखाना चाहता हूं कि अगर मैं इस वेरिएबल काउंट का टाइप सिलेक्ट चेक करना चाहूं कि इसकी टाइप क्या है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। मैं इसे रीलोड करता हूं और देखिए हमारे पास जो टाइप आ रही है दैट इज स्ट्रिंग। ये हमारी हेडिंग है टाइप जगलिंग जो कि HTML में मौजूद है, और यहां पे हमारे पास जो टाइप आ रही है दैट इज स्ट्रिंग। जाहिर सी बात है ये स्ट्रिंग ही है क्योंकि हमने इस वेरिएबल में एक स्ट्रिंग को स्टोर किया हुआ है, और स्ट्रिंग आप जैसा कि जानते हैं कि अल्फाबेट्स और नंबर्स और सिंबल्स का कॉम्बिनेशन हो सकती है। अब यहां पर मैं कुछ चेंज कर रहा हूं, मैंने यहां पर काउंट प्लस इक्वल 3 किया। काउंट प्लस इक्वल 3 का मतलब ये है कि ये जो काउंट नाम का वेरिएबल है इसमें 3 की वैल्यू एड कर दें।
जब आप एक न्यूमेरिक वैल्यू, जब एक इंटीजर आप एक स्ट्रिंग में ऐड कर रहे हैं, तो पीएचपी डायरेक्टली आपके उस वेरिएबल की टाइप को चेंज कर देगी. दैट इज कॉल्ड टाइप जगलिंग. तो मैं इस कमेंट को, नीचे वाले कमेंट को भी रिमूव करता हूं, और यहां पर मैंने दोबारा उसी काउंट की जो वेरिएबल है उसकी जो टाइप है उसको मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की. मैं चाहता हूं कि मैं देखूं कि इस वेरिएबल की टाइप अब क्या है, क्योंकि अब मैंने इस स्ट्रिंग के अंदर एक नंबर को स्टोर किया है, एक नंबर को जमा किया है, तो डेफिनेटली पीएचपी ने अपने तौर पर इसकी टाइप को कन्वर्ट कर दिया होगा. मैं इसे सेव करता हूँ और ब्राउजर पर आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ. और देखिए अब की बार आपके पास जो टाइप आ रही है दैट इज इंटीजर. इट मींस के पीएचपी ने इस स्ट्रिंग टाइप को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर दिया. ओके, अब आगे मैंने क्या किया, मैं इस लास्ट टू लाइंस के कमेंट्स को भी रिमूव कर देता हूं. कैट्स इज इक्वल टू, मैंने अब कैट्स वेरिएबल एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें अभी मैंने कोई वैल्यू स्टोर नहीं की, बल्कि डायरेक्टली मैं यहां पर से असाइन कर रहा हूं. कैट्स इज इक्वल टू, मैंने उसमें एक स्ट्रिंग स्टोर की और साथ ही कॉन्कैटिनेट कर दिया मैंने एक वेरिएबल को जो कि काउंट है, और काउंट के अंदर आपको मालूम है कि क्या स्टोर्ड है, काउंट के अंदर 6 स्टोर्ड है. और फिर मैंने कहा कि साथ ही कॉन्कैटिनेट कर दो कैट्स को. एक्चुअली इस कैट्स नाम के वेरिएबल में मैं एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूं, और स्ट्रिंग को स्टोर करते हुए मैं एक वेरिएबल बीच में कॉन्कैटिनेट कर रहा हूं, और उस वेरिएबल जिसका नाम काउंट है उसकी टाइप हम देख चुके हैं कि यहां पर कन्वर्ट होकर इंटीजर में कन्वर्ट हो चुकी है. अब यहां पर अगर मैं इस टाइप को गेट करूं इस कैट्स के वेरिएबल के लिए, कि कैट्स का वेरिएबल जो है उसका टाइप क्या होगी, तो आप जानते हैं कि यहां पर मैंने इसमें क्या स्टोर किया है, मैंने इसमें स्ट्रिंग स्टोर की है. इट मीन कि कैट्स नाम का जो वेरिएबल है इसकी टाइप ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग हो जानी चाहिए. मैं सेव करता हूं इसे और रीलोड करता हूं, और ये देखिए यहां पर आपके पास कैट्स का जो वेरिएबल है उसकी टाइप स्ट्रिंग की सूरत में आपको नजर आ रही है. तो व्यूअर्स, आपने देखा कि पीएचपी अपने तौर पर डाटा टाइप्स को चेंज करने की, कन्वर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ये कोई बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है. आप कोशिश करें कि आप अपने हाथ में कंट्रोल रखें कि कौन से डाटा टाइप को किस डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है और कब कन्वर्ट करना है. तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि टाइप जगलिंग के साथ साथ टाइप कास्टिंग क्या है जो हमें कंट्रोल प्रोवाइड करती है.